जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग है ठीक होंगे हमने 1973 के आइन के खदोखाल साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आज हमारा टॉपिक है ये करना है हम स्टार्ट करते हैं पस मंज़र बैकग्राउंड है इसका वो देख लेते हैं कि 73 का आइन कैसे बना और इससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी वो क्या थी पीछे हाँ आपने 1956 का हमने देखा 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 अब हम देख लेते हैं मुरतब करना था कौमी असम्बली ने इस मकसद के लिए 17 अप्रैल को अलग आयन साज कमेटी तश्ल दी इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमांदे शामिल हुए कमेटी के सरबरा माहिर कानून मियम महमूद अली कसूरी को मुकरर किया गया उनके इस्तीफे के बाद अब्दुल को सौंपी गई यानी इस कमेटी इतराज का और, और मुखालफ की बिना पर कई मौके पर मुश्किल पैदा हुई बिल आखिर तमाम सियासी जमातों की मुतफा राय से कौमी असम्बली ने दस अप्रैल को आईनी मसवदी की मंजूरी दे दी 12 अप्रैल 1973 को सदर ने इसे मंजूर कर दिया 14 अगस्त उन्नीस को नए आइन का नफाज अमल में आया ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये डेट जो पूछी जाती है याद रखनी है आपने 14 अगस्त उन्नीस को नए आइन का नफाज अमल में आया साइन किया के अहम खुद लिए हैं तो हम देख लेते हैं अब 1973 का आइन इसमें सबसे पहले अफ्तिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों आइन में करारदाद मकासदी जो हमारी एक बेस थी जो करारदाद मंजूर की गई 1949 में उसको तीनों आइन में एक प्रीमियबल या अफ्तिया या फॉरवर्ड के तौर पर पेश लफ्स के तौर पर तीनों आइनों में शामिल किया गया अब वही बात ये बता रही हैं कि पहले दोनों आइनों का आगाज भी करार दादे से हुआ था सेवेंटी थ्री के आइन में भी करार दादे को के तौर पर शामिल किया गया जिसके मुताबिक अल्लाह तला की है अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियार का इस्तेमाल मुकदस समानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे बाद में एक तरमीम के जरिए इसे आइन का बास्सा भी करार दे दिया गया ठीक हो गया यानी कि पहले ही बता दिया उन्होंने कि इस ये जो 73 थ्री का आइन था इसमें सबसे पहले इक्रदा मकासद का पोर्शन शामिल किया गया जिसमें बताया गया था कि आकमियत अल्लाह तला की है और जो यहाँ पर पाकिस्तान में नुमाइंदे हुकूमत संभालेंगे वो अल्लाह तला के नुमाइंदों की, की हैसियत से अपनी हदूद के अंदर रहकर अपने इख्तियार कर इस्तेमाल करेंगे और कुरान सनत से रहनुमाई लेंगे अच्छा ये आयन तहरीरी था फिफ्टी सिक्स का आइन भी तहरीरी था सिक्सटी टू का अब ये सेवनटी थ्री कांस्टिट्यूशन सबका आइनों की तरह ये आइन भी तहरीन नोयत का था ये ज्यादा जखीम और जामी है जो यानी मतलब बहुत डिटेल में है जो दो सौ अस्सी दिफात बारह एक सौ छह गोशवारों पर मुश्तमिल इन गोशवारों में मुख्तलि फौजी हुकूमत के हुक्म नामों को भी तहफुज बख्शा गया है अच्छा ये उसवार आइन है सेमी रिजिड है का रिजिड था कि बहुत ही मुश्किल थी उसमें तरमीम करनी ना तो सेवनटी थ्री को रिज़िट कहा गया कि इसमें भी तरमीम करना थोड़ी आसान लेकिन इतनी आसान भी ना हो कि जी आए दिन तरामीम होती रहे तो सेमी रिज़िट रखा गया सेवेंटी थ्री का नीम उस तवार नोयत का है इसमें तरमीम का तरीका कार ना ज्यादा पैचीदा ना सहल सहल मीन आसान 1985 की आईनी तरमीम से कबल आयिन में तरमीम करना कदरे आसान था कौमी असम्बली की दो तहाई अक्सरियत और तरमीम करने की मजाज थी लेकिन अब दोनों एवानों की दो तह अक्सरी के बगैर नहीं अगर किसी का तालो किसी इलाकाई या बदल से हो, तो कौमी असम्बली से पहले मुतल सूबाई असम्बली के दो तह अरक की हिमात से मंजूरी जरूरी है यानी अगर किसी मुसवदे का किसी आइन या किसी शिप में को तरमीम करने जा रहे हैं तो अगर उस तरमीम का तलक किसी खास इलाके से है तो वो कहते हैं कि उस खास इलाके की जो या, यानी सूबे की जो असम्बली है उसके भी दो तो तिहाई अरकान की हमायत जरूरी होगी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे पहले था सबका आइनों की तरह 73 के आइन में भी पाकिस्तान को विफाकी हुकूमत करार दे दिया गया आइन के तहत विफाक चार सूबों विफाक दारकूमत और इससे मुल्का इलाके विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्कली मुश्तम है विफाकी और दरमियान इख्तियार दो फहरिस्तों में मुनकसम है विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियार दो फहरिस्तों में मुनकसम एक विफाकी फहरिस्त दूसरी मुश्तरक अमूल की फहरिस्त बाकी मानदार अख्तियार अच्छा अब इसमें सूबा हुकूमत की फहरिस्त नहीं है लेकिन उन्होंने कहा एक विफाकी फहरिस्त होगी दूसरी मुश्तरक अमूर की और जो बाकी इख्तियार है बाकी मानदा जो शोबे हैं उनके इख्तियार जो है वो सूबों को तफवीज किए गए विफाकी अमूर के बारे में पार्लियामेंट कानून साजी करती है जबकि मुश्तरक अमूर के बारे में दोनों हुकूमतें विफाक और सूबाई सुब, हुकूमत जो है वह दोनों कानून बनाने की मिजाज है तमाम विफाक इकाइयों को मसावी हसीय दी गई है सैनट में भी तमाम सूबों को मसावी दी गई है पार्लियमी यानी पार्लिमानी फॉर्म सिस्टम होगा गवर्नमेंट का सेवन थ्री के आइन के तहत मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया मुल्क का सरबरा सदर और सरबरा वजी सदर को पार्लियामेंट और तो चारों सूबाई असम्बलिया मंतब करेंगी सदर का इंतजाम चारों सूबाई असम्बलियां और पार्लियामेंट तो मिलकर करेंगे जबकि वजीरम का इंतजाम कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आएगा कौमी असम्बली की वही मैद पांच साल रखी गई आयन की सत्रहवीं तरमीम के जरिए सदर और वजीर के सदर को फोकियत हासिल है वजीर सदर को कौमी असम्बली के तोड़ने का मशवरा भी दे सकता है अच्छा आइन की बाला दस्ती होगी सुप्रेमसी होगी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क में दो बार आइन नाफिस आइन मनसूख किए जा चुकी है यानी फिफ्टी और सिक्सटी का इसलिए मौजूदा आइन को यानी सेवनटी थ्री के आइन को मुस्तकिल नोयत का आइन बनाने की कोशिश की गई अगर कोई शख्स गैर आइनी तरीके से मौजूदा आइन तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा सकेगा और पार्लियामेंट इसके लिए तजवीज आप देखें ये थोड़ी सी शिक्की उन्होंने रखी है जिसकी वजह से अभी तक सेवेंटी थ्री का आइन चल रहा है लेकिन पीछे आपने देखा कि जैसे जो था दोनों आइन जो थे वो तोड़ दिए गए थे जी अच्छा दो अवानी मुकन रखी गई मौजूदा आइन के मुताबिक मरकजी कानून साज अदारे का नाम मजल शुरा है जो दो अवानों पर मुश्तमिल है एवाने बाला सैनट और एवान जीरी यानी कौमी असम्बली सैनट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है सैनट में सूबों को कहते हैं मुसावी नुमाइंदगी दी गई है वो एवान है यानी ख़त्म नहीं होता उसके आधे अरकान रिटायर होते रहते हैं और आधे अरकान जो है वो नए मंतखब होते रहते हैं वो मुस्तकिलान है जिसकी मैद छाल अरकान की तादाद एक सौ चार है कौमी असम्बलीमाम की नुमाइंदगी करती है जिसका इंताराह रास्त तरीके से अवाम करते हैं और पांच साल के लिए चुनी जाती है कौमी असम्बली तीन सौ बयालीस अरकान पर मुश्तमिल जो आबादी की बुनियाद पर मंतब किए जाते हैं मजरसे शुरा के कुल मैंबरान की तादाद फोर फोर्टी सिक्स यहाँ पर दी गई लेकिन अभी लेटेस्ट में आपको बता दूंगी ठीक है कि जो पूरी अभी तादाद जो है वो मैं आपको नेक्स्ट अपने जो लेक्चर है उसमें बता दूंगी इस्लामिक आइन उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन को इस लिहाज इस्लामी आयन कहा जाता है कि इसमें मुमलिकत का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया गया है करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बना दिया गया है जिसमें अल्लाह तकमियत का इकरार किया गया है पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन का मकसद क्या है कि शहरी में इस्लामी तर्ज जिंदगी को तरवीज और तरक्की देना है रियासत जुकात और अवकाफ को मनजम करने के लिए कोशिश करेगी सूद के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे सदर वजीर अजम दोनों मुसलमान होंगे और उन पर लाजि है कि वो खत्म नबूत पर यानी आजू सल वसलम को वो ये तस्लीम करें कि वो आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा ठीक हो गया अभी तक जो पॉइंट्स जा रहे हैं बच्चों आपको समझ आ रहे हैं ना ईजी पॉइंट है कि कोई मुश्किल नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दो अवानी मुकन्ना है और आयन की बालादस्ती होगी इस्लामी आयन होगा और फिर आगे आप चलते हैं कि आगे क्या है आजाद और खुद मुख्तार जुडिशरी के बारे में उन्होंने कहा जी कि अदलिया जो है वो आजाद होगी जजों का सदरे पाकिस्तान के हाथ में होगा उनकी बरतरफी सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल की सिफारशात पर सदर करेगा सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल यानी जो जार तहकीकत करेगी और फिर सदर के मशवरे से उनको जो है वो अपने से उनको हटा सकती है जजों को माकूल मुआवजा मिलेगा मुलाजमत का उनका तहफुज होगा उनको इंतजामिया से अलग रखा गया है और कोशिश की गई है कि इंतजामिया उन पर दबाव ना डाले जज अपने फरज मनसबेगी बगैर किसी खौफ या दबाव से आजाद होकर सर अंजाम देते हैं इस्तेहसाल तहसाल का खात्मा ये देखते हैं कि ये नया हमारे पास पॉइंट है जो दोनों आइनों में नहीं था आपने देखे दोनों आइन तो देखते हैं कि इस तहसाल का खात्मा इसमें उन्होंने क्या लिखा है दौलत दौलत को एक जगह जमा करना या दौलत का जमा हो जाना और दीगरों के खात्मे की खातिर आइन में एक मतवाजी इकतम के क्या का आजम किया गया है बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फ्राहमी हकूमत का जाहिर है अवलिन फरीजा होता है इस मकसद की खातिर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को तहफ दिया गया है मजुसरा कानून साजी के जरिए निजी मलकियत की हदूद का तयन करने की मजाज है यानी के निजी मलकियत के हर फर्द जो है वो अपने एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम के अंदर ही अपनी मलकियत बना सकता है तो वो कहते हैं कि नाजायज जराइ से जो हासिल की हुई अमलाक हैं या जायदादें जो हैं उनको बहके सरकार जब्त कर किया जा सकता है हर किसी के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा हर फर्द को उसके काम के मुताबिक गुजरत दी जाएगी और रियासत हर तरह के इस का इस्तेसाल का क्या मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना किसी का नुकसान करना तो रियासत हर तरह था के इस का खात्मा करेगी ये पॉइंट एक नया इसमें सेवनटी थ्री के आइन में आपको देखेंगे बच्चों के सेवेंटी थ्री के आइन में काफी सारे पॉइंट जो है वो नए आपको नजर आएंगे अच्छा पीछे दोनों आइनों में आपने देखा उर्दू बंगाली दोनों जबान कौमी करेंगीवेंटी थ्री की आइन में यह था कि सिर्फ उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान हासिल होगी तमाम सूबातों को हासिल है कि इख्तियारो अपनी इलाकई जुबानों की तरक्की और तालीम को बंदोबस्त करें पंद्रह साल के अरसे में उर्दू को सरकारी जुबान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाने थे जिस दौरान अंग्रेजी जुबान बतौर सरकारी जुबान इस्तेमाल होनी थी मगर आज तक ऐसा ना हो सका और अभी भी आप देखें ऑफिसिस में और बहुत से जगहों में ना इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज की जाती है ऑफिसिस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है तो ये भी देखें वक्त का तकअजा है हर जगह जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है तो वो भी ठीक है कि ऑफिसिस में भी चलो है लेकिन ये कि इंस्टीट्यूशन में ना वहां पर तो उर्दू में ही ज्यादातर दी जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है अच्छा बुनियादी का देखें यहाँ पर तहफ़ दिया गया है शहरी को पार्लियामेंट और सूबा असम्बलियों को बुनियादी के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी अदालत अदलिया जो है ऐसे कानून को कलदम करार देने की मजाज होगी हकूमत को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वह तमाम लोगों को मजहबी नस्ली लसानी और नस्बी नस्बी इम्तियाज के बगैर यकसा मौाक फराहम करे ताकि लोग अपनी सलाहियतों को बुरकाल ला सकें। इस पॉइंट में उन्होंने क्या बताया ये देखें मैं दोबारा पढ़ देती हूँ कि बुनियादी हकूक लोगों के हासिल होंगे लोगों के तमाम शहरियों को पार्लीमेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी क्योंकि मुनाफी को कहते हैं पार्लिमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी कि जिसमें बुनियादी हकूक को जद पहुंचती हो या नुकसान लोगों के हकूकों को पहुंचता हो और जो जुडिशरी है वो भी किसी ऐसे कानून को कलम देने की मजाज है वो फैसला कर सकती है कि फलां कानून जो है वो आइन के में या उसमें के की जो है वो उस उनको नुकसान पहुंच रहा है तो वो ऐसे कानून को वो ख़त्म कर सकती है को भी पाबंद बनाया गया है कि वो लोगों के बगैर उनके किसी भी अः नस्बत के उनके बेशक मजबी नस्ली लसानी और नस्बित उनसे इम्तियाजात हैं फर्क के बगैर वो कहते हैं कि यकसा मौके लोगों को फराहम करें का जिक्र आयन में था अगर आपको याद हो इसी तरह आइनी अदारे यहाँ भी बनाए गए के मरकजी और सूबाई मफाद और मामला की तरक्की के लिए आयन ने कई एक अदारे भी तश्ल दिए मस मुश्तर मफादात की कौंसल कौमी इकतदी कौंसल कौमी मालियाती कमीशन इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन और विफाकी मोतसब का अदारा ये अदारे आयन की हदूद के अंदर अपने फराइज से मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशा रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकदम रखते हैं अच्छा ये की, ये जो दिफात थी ये नॉर्मल एक आम आयन में सारी होती है यहाँ पर आपकी बुक में इन्होंने ना आ, इस्लामी दिफात को थोड़ा सा अलग करके बयान कर दिया क्योंकि अक्सर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि आ, आ, 56 के आइन में और सेवेंटी थ्री के आइन की इस्लामी दिफात का तस्करा करें सिर्फ इस्लामी दिफात पूछी जाती है तो फिफ्टी सिक्स और सेवनटी थ्री में ही दोनों में 62 में आपको कम नजर आएंगी लेकिन फिफ्टी सिक्स और सेवनटी थ्री के आइन में आपको जो है वो इस्लामी दिफात ज्यादा नजर आएंगी इसमें अब देखें पहली है कि अल्लाह तला की हकमी सॉनिटी बिलोंग्स टू तो अल्लाह के सेवेंटी थ्री के आइन में दाद के इब्तिया में शामिल किया गया जिसके मुताबिक कुल कायनात का, का हक में मतलब अल्लाह ताला की जात इक्तदार आला उसी को हासिल है पाकिस्तान के आ, याला को अवाम इक्तदारमानत समझते हुए कुरान सुन्नत की दूध में रहते हुए अपने मंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेंगे सरकारी मजहब इस्लाम करार पाया मुल्क का नाम इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान रखा गया सदर वजीर आजम दोनों मुसलमान और उन पर पाबंदी आय के उनका नजरिया पुख्ता ईमान हो जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क्याम जिस नज़रिए हमारा नज़रिया क्या था इस्लाम दोनों अपने हद्दों का हलफ उठाते हुए इस बात का इकरार करेंगे कि तोहहीद और खत्म नबूत पर ईमान रखते हैं इस्लामी नजरिए के तहफ की कोशिश भी करेंगे अब इसमें देखें के देखे में सबसे पहली बार डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मुसलमान की तारीफ किया की गई कि पहली मरतबा मुसलमान की तारीफ शामिल की गई जिसकी रूसे तोहहीद रसालत क्यामत और अल्लाह तला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा आजूर सल अल्लाह को आखिरी नबी तस्लीम करना लाजमी है इस्लामी कानून साजी होगी क्योंकि मौजूदा कवानीन को इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा और कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लाम की तलीमत से मुतदम हो इस्लामिक प्रिंसिपल अपनाए जाएंगे उनके मुताबिक अवाम जो हैं वो अपनी जिंदगियाँ बसर करेंगे और ऐसे हालात मुहैया किए जाएंगे कि मुसलमान अपने इनफराजमाही इस्लाम के मुताबिक ढाल सकें इस्लामी तालीमत हैं कि कुरने पाक और ये भी देखें ये पर्स टाइम हुआ कि इस्लामिया की तालीम को लाजमी करार देने के लिए कोशिशें की जाएंगी फिर समाजी बुराइयों का खात्मा असमत फरोशी जुआ गैर अखलाक लिटरेचर की अशात फरोख्त पर पाबंदी होगी इसके अलावा तबी मकासद और गैर मुस्लिमों के मजहबी मौाक के अलावा शराब नोशी पर भी पाबंदी होगी नीज मुल्की को सूद से पाक करने का बंदोबस्त किया जाएगा यहाँ पर भी इस्लामी अदारे देखिए यहाँ पर उन्होंने ये नए अदारे बने जुकात और का निज़ाम कायम करने के लिए ना और मसाजिद को सही खतूत पर मनजम किया जाएगा और इसकी वजाहत आयन में आयिन के रहनम पॉलिसी के सुलों में इसको शामिल किया गया है अरबी की तालीम देखें अब ये भी फर्स्ट टाइम हुआ फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा जी अरबी की तालीम जो है अरबी जुबान सीखने की हौसला अफजाई की जाएगी इसकी तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराम की जाएंगी अब ये पॉइंट भी फर्स्ट टाइम आया देखे कुरान पाक की सही तबात के पब्लिकेशन जो है ये करेक्शन इसकी हो सही के, सही तबात की जाए पब्लिकेशन में कुरान पाक को अगलाद से पाक तबात और इसकी सही मनोअन अशात का इस्तेमाल किया जाए इस्लामी नजरिए का तहफ़ आइन सदर वजीर अजम और दीगर आलादेदार जो हैं जिनमें मंबरान पार्लियामेंट सूबाबलिया के मम्बरान गवर्नर वज्राला को अपने का हलफ उठाते वक्त ये अहद करना पड़ेगा कि वो इस्लामी नज़रिए के तहफ़ के लिए जो क्या पाकिस्तान की बुनियाद है मुकम्मल जिद करेंगे ये पॉइंट्स भी देखो ये पहले दोनों आइनों में नहीं थे ये इस्लामी सियाती कौंसिल तो वो पीछे थी लेकिन इतिहाद इस्लामी पाकिस्तान इस्लामी की बिना पर मुस्लिम दुनिया से अच्छे तवार करेगा क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामी नजरिए की बिना पर मार्ज वजूद में आया है बैनवा तनाजात को और अमन जराय से हल करने की हौसला अफजाई की जाएगी बैन अलावा अमन सलामती के क्याम के लिए जिद, जिद की जाएगी इस्लामी नजरियाती कौंसिल का क्याम कहते अमल में लाया जाएगा जिसकी अरकान की तादाद आठ से बीस तक उन्होंने कहा जो इस्लामी फिका मैशत और सियासत के उसमें कौन से अफराद उन्होंने कहा कि वहां उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो फिका के माहिर होंगे मिशत जिनको मीशत की इकोनॉमी का पता होगा और उसमें एक्सपर्ट होंगे और पॉलिटिक्स भी जानते हैं उन लोग ना ये कवानी को इस्लामी तालीमत के मुताबिक बनाने में सदर और कानून साझेदारों की रहनमाई करेगी कौंसल और मौजूदा कवानीन को इस्लामी सानचे में ढालने का काम भी इस कौंसल के है अच्छा जी आगे आ जाती है जी अब मुझे शुरू है ये सेवेंटी थ्री के आइन की के तहत जो हमारी पार्लियामेंट जो बनी तो उसके बारे में है, अब इन ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ठीक है आज हम यहाँ पर ही रखते हैं और बस कोशिश करें बच्चों के आप लोग ना आ, साथ साथ पढ़ लो इसको सेवेंटी थ्री का बहुत ईजी है तो इसके तहत अब आगे हम सदर का उदा भी देखेंगे वजीर अजम का भी देखेंगे और अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो कल इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट डिस्कस कर लेंगे बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज